हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा रिजनिंग क्लासेस के ऊपर। आज है 30 मई 2020 और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो आज का जो करंट अफेयर है, जो कि गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि किस राज्य सरकार ने 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करेगी। यानी कि कौन सी राज्य सरकार है जो कि 800 किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करेगी। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी की सरकार ने यह फैसला लिया है कि 800 किलोमीटर तक की जो सड़क है उसे हर्बल सड़क के रूप में विकसित किया जाएगा। अब हर्बल सड़क क्या होती है, जहां पे पेड़ पौधे लगे होते हैं साइड में, और पेड़ पौधे यहां पे सरकार ने यह दावा किया है कि जो ये 800 किलोमीटर की सड़क है इसके दोनों तरफ ब्रह्मी, अश्वगंधा और पीपल इत्यादि के पेड़ लगेंगे, यानी कि जो हर्बल पेड़ होते हैं वो लगाए जाएंगे। तो कितने किलोमीटर, 800 किलोमीटर। कौन सी सड़क, हर्बल सड़क के रूप में, किसने किया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कहा कि वह जल्द ही राज्य स्वास्थ्य पंजी के माध्यम से अपने सभी नागरिकों के स्वास्थ्य डेटाबेस को बनाए रखने के लिए एक परियोजना शुरू करेगी। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने यह कहा है कि वह जल्द ही राज्य स्वास्थ्य पंजी के माध्यम से अपने सभी नागरिकों के स्वास्थ्य डेटाबेस को बनाए रखने के लिए एक परियोजना शुरू करेगी। इसके अंदर क्या होगा, जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य प्रशिक्षण के ऊपर पूरा का पूरा ध्यान दिया जाएगा, यानी कि हेल्थ मिनिस्ट्री पार्टीशन, ठीक है, एचएम, हेल्थ मिनिस्ट्री पार्टीशन के तहत कर्नाटक के अंदर, जो कर्नाटका है, केआर कर्नाटक, उसके अंदर उसकी राज्य सरकार ने यह कहा है कि राज्य स्वास्थ्य पंजी के तहत सभी नागरिकों के स्वास्थ्य डेटाबेस को बनाए रखने के लिए एक परियोजना शुरू की जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एशियाई विकास बैंक एडीबी, एडीबी की फुल फॉर्म क्या होती है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, ने महाराष्ट्र में 450 किलोमीटर के राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों को बेहतर बनाने के लिए कितने करोड़ डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। जी हाँ, तो इसका राइट आंसर है 17.7 करोड़ डॉलर, यानी 17.7 करोड़ डॉलर की मंजूरी दी है। किसने, एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने महाराष्ट्र में 450 किलोमीटर के राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों को बेहतर बनाने के लिए कितने करोड़ ऋण की मंजूरी दी है। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका, 17.7 करोड़, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जी हाँ, तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो सड़क के जो कर्मी होते हैं, जो काम करते हैं सड़क के ऊपर, उन्हें प्राकृतिक आपदा के लिए विशेष डिजाइन तैयार करने को कहा गया है कि जो सड़क होती है वो प्राकृतिक आपदा से कैसे बची रह सकती है, उसके लिए वो विशेष डिजाइन तैयार करेंगे। और जो किसी प्रकार का डैमेज आता है प्राकृतिक आपदा के कारण सड़क के अंदर, तो उसके लिए उन्हें स्पेशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, इन रुपयों को वहां यूज किया जाएगा, यानी कि सड़क के लिए विशेष डिजाइन तैयार करने में। और जो वहां के जो सड़क कर्मी होते हैं उन्हें इस बात का विशेष प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग दी जाएगी कि अगर यदि कोई प्राकृतिक आपदा के कारण सड़क का डैमेज होता है तो उसे तुरंत प्रभाव के साथ कैसे उसे सही करना है, कैसे उसे रिकवर करना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्तीय वर्ष 2021 में किस देश की GDP विकास 5% दर तक घटने का अनुमान लगाया है। जी तो इसका राइट आंसर है हमारा प्यारा सा भारत। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने वित्तीय वर्ष 2021 में किस देश की GDP का विकास दर 5% तक घटने का अनुमान लगाया है। जी हाँ, तो इंडिया का क्यों विकास प्रतिशत घटने का अनुमान लगाया गया है, जो COVID-19 के कारण जो लॉकडाउन चल रहा है उस लॉकडाउन की वजह से क्या है कि जो भारत की जो आर्थिक इनकम होती है, आय होती है, उसके अंदर क्या आ रही है, गिरावट आ रही है, क्योंकि सभी इंडस्ट्री वगैरह जो है वो बंद हुई थी, इसकी वजह से उसके अंदर गिरावट आई है। तो उसकी जो GDP है, GDP जो है वो क्या है, भारत की 5% तक घट चुकी है। किसके कारण, ड्यू टू COVID-19 लॉकडाउन, COVID-19 के जो लॉकडाउन हुआ था उसके कारण किसकी, भारत की क्या घट चुकी है, जीडीपी घट चुकी है, कितने प्रतिशत घट चुकी है, 5% तक। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 2020 करंट अफेयर से। अगला है, भारतीय ओलंपिक संघ IOA के किस अध्यक्ष को ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। जे तो इसका राइट आंसर है नरेंद्र बत्रा, ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसका राइट आंसर है नरेंद्र बत्रा। नरेंद्र बत्रा को भारतीय ओलंपिक संघ IOA के को ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। जी हाँ, ओलंपिक चैनल आयोग, ठीक है, IOC, ये क्या करता है, ये भारतीय ओलंपिक संघ को एक दिशा निर्देश देता है। तो उसका जो सदस्य है वो किसे नियुक्त किया गया, नरेंद्र बत्रा को। और नरेंद्र बत्रा क्या थे, नरेंद्र बत्रा कौन थे, नरेंद्र बत्रा जो थे वो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष थे। किसके, भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOA, ठीक है, IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। कौन, नरेंद्र बत्रा, उन्हें ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी, जिसका आपने कई बार नाम सुना होगा, सेबी बोर्ड ने वित्तीय परिणामों का समय पर खुलासा नहीं करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? जी हां, तो इसका राइट आंसर है 7 लाख रुपए का जुर्माना जो है वो आया है, यानी कि बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। किसने लगाया है ये? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने, सेबी ने, वित्तीय परिणामों का समय पर खुलासा नहीं करने के कारण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI इसके ऊपर क्या लगाया है? जुर्माना लगाया है। कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जी हाँ, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर ये होता है कि जो 6 माही होती है, 6 माही का जो परिणाम होते हैं 6 महीने के, उसे सेबी बोर्ड को 45 दिन के अंदर अंदर वो परिणाम देने होते हैं, और 6 से 7 बार केस ऐसे हुए हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड का ये कहना है कि 6 से 7 बार ऐसे हुए हैं जहां पे NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने अपना कोई भी खुलासा सेबी को नहीं दिया है, कोई भी परिणाम सेबी को नहीं दिया है, सेबी यानी कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को नहीं दिया है परिणाम, तो उसके लिए उसके ऊपर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया किसके ऊपर? NHAI के ऊपर। और लगाया किसने है? सेबी ने। सेबी ने लगाया है किसके ऊपर? NHAI के ऊपर। कितने रुपए का? 7 लाख रुपए का जुर्माना। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, सरकारी कंपनी HIL लिमिटेड टिड्डियों को नियंत्रित करने के लिए किस देश को 25 टन कीटनाशकों की आपूर्ति करेगी? जी हां, इसका राइट आंसर है ए, यानी कि ईरान। ईरान को हमारी भारत की सरकारी कंपनी HIL लिमिटेड टिड्डियों को नियंत्रित करने, टिड्डी आपको मैं बता दूं एक ऐसे कीट होते हैं जो कि फसल को पूरी तरह तबाह कर देते हैं, ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर डैमेजेस कर देते हैं, तो वो किस देश को 25 टन कीटनाशकों की आपूर्ति करेगी? ईरान को। ईरान देश के अंदर क्या है, टिड्डियों का आतंक काफी ज्यादा देखा जा रहा है, तो उसके ईरान देश के जो किसान है, फार्मर्स है, वो काफी परेशान है इस बात से, तो इसके लिए सरकारी कंपनी HIL लिमिटेड ने टिड्डियों को नियंत्रित करने के लिए 25 टन कीटनाशकों की आपूर्ति का दावा किया है। जी हाँ, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका ये है, किस देश ने अपने परस्पेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन पकड़ा, PAKDA प्रोग्राम के तहत अपना पहला स्टेल्थ बॉम्बर विमान बनाया? स्टेल्थ बॉम्बर विमान किसने बनाया? जी हाँ, इसका राइट आंसर है ए, यानी कि रूस। रूस ने क्या किया है, अपने प्रस्पेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन पाकड़ा प्रोग्राम के तहत अपना स्टेल्थ बॉम्बर विमान बनाया है। इसको आप याद रख सकते हैं, पाकड़ा, PAKDA, ठीक है, क्या, प्रस्पेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो होगा वो ये रूस जो है, इसके अंदर क्या है कि जो विमान है वो इस तरह से बनाया गया है कि वो काफी तेज स्पीड से और काफी लॉन्ग रेंज पे अपने ये जो मिसाइल है वो दाग सकता है, ठीक है, और ये किस लिए, जो रूस है उसके अंदर रेडार सिग्नेचर को RS यानी कि रेडार सिग्नेचर को कम करने के लिए नवीनतम टेक्निक यानी कि न्यू टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। और आपको बता दूं, रूस जो है वो क्या है, भारत का एक बहुत ही अच्छा मित्र है, और रडार सिग्नेचर को कम करने के लिए वो क्या करता है, नवीनतम तकनीक का इस्तेमाल करता है, तो उसी तकनीक के तहत ये स्टेल्थ बॉम्बर विमान बनाया गया है, जो किस प्रोग्राम के तहत बनाया गया है, याद रखिएगा, परस्पेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन, ठीक है, और किसने बनाया है, रूस ने बनाया है, ठीक है, ये आज का क्वेश्चन था। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व भूख दिवस, वर्ल्ड हंगर डे, WHD किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखिए, ये किस दिन मनाया जाता है, अभी अभी जो गया था 28 मई, 28 मई को ये दिवस मनाया जाता है। कौन सा? वर्ल्ड हंगर डे यानी कि विश्व भूख दिवस 28 मई को मनाया जाता है। 28 मई को मनाया जाता है, और ये क्यों मनाया जाता है, ये जो गरीब लोग हैं उनके भूख से निपटान के लिए ये जो दिवस है वो मनाया जाता है, ताकि जो गरीबी लोग, गरीबी रेखा से नीचे वाले जो लोग हैं उन्हें मुहैया खाना करा सके, ठीक है, खाना मुहैया करा सके, और ये किस लिए मनाया जाता है, जो गरीब लोग हैं उनके एक नियोजन के लिए मनाया जाता है। क्या? विश्व भूख दिवस। तो कब मनाया जाता है? 28 मई को मनाया जाता है, पूरे वर्ल्ड के अंदर मनाया जाता है ये, और जितने भी जो गरीब लोग होते हैं उनकी समस्याओं का निदान करने के लिए इस दिन काफी कोशिशें की जाती है, और इसके अंदर नई नई पॉलिसीज लॉन्च की जाती है इस दिन 28 मई को, किस लिए, लोगों को गरीबी से छुटकारा देने के लिए। चलिए आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, और जैसा कि मैं हर वीडियो के अंदर कहता हूं, आज की वीडियो का टारगेट है 1K+ व्यूज और 250 लाइक्स, जो कि आपको पूरे कराने हैं। 250 लाइक्स आज की वीडियो का टारगेट है, 1K+ व्यूज और 250 लाइक। तो उम्मीद करता हूं आप इसे ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे इसे शेयर करेंगे, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं हर एक कोने से क्वेश्चन उठाने की, जितना मेरे से हो पाता है मैं आपको चैनल पे इन्फॉर्मेशन देता हूँ, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और इसे इतना शेयर करें कि 1K+ व्यू हो जाए। मैं आपको हर वीडियो के अंदर कहता हूँ, लेकिन मेरी कोई वीडियो के अंदर आपकी तरफ से 1K+ व्यूज़ नहीं आए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखते, लास्ट वाला, रेलवे ने एडवांस आरक्षण की अवधि 30 दिनों से बढ़ाकर कितने दिन तक कर दिया है?
तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि 120 दिन। 120 दिन तक रेलवे ने एडवांस आरक्षण, ठीक है, एडवांस रिजर्वेशन AR की अवधि 30 दिनों से बढ़ाकर कितने दिन कर दिया, 120 दिन कर दिया। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये कब से लागू हुआ, ये हुआ था 21 मई 2020, 21 मई 2020 की सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे ये बात लागू हुई थी कि रेलवे ने अपने एडवांस आरक्षण की अवधि 30 दिनों से बढ़ाकर 120 दिन कर दी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको इस समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही डेली के डेली करंट अफेयर और गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।